नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे चैनल ट्रिक कोचिंग सेंटर में हार्दिक स्वागत है। तो आज हम आपको विद्युत सेवा आयोग द्वारा कार्यकारी सहायक की भर्ती जो अभी आई है उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं, जिसमें देखिए काफ़ी ज़्यादा पोस्टें आई हैं, 1000 से ऊपर पोस्ट हैं, जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इसमें देखिए 27,200 से 86,200 एवं अन्य भत्ते कावर कॉरपोरेशन मैट्रिक लेवल 4 में वेतन मिलेगा। तो इसमें न्यूनतम आयु 21 वर्ष है और अधिकतम आयु 40 वर्ष है। और इसमें देखिए हिंदी की टाइप चयन प्रक्रिया किस तरीके से होगी, अनिवार्य हर तक किसी भी आप ग्रेजुएट हों किसी भी विद्यालय से, विश्वविद्यालय से, राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त, और आपकी कंप्यूटर की हिंदी की टंकण परीक्षा होगी जिसमें 30 शब्द प्रति मिनट की गति अनिवार्य है। तो इसमें लिखित परीक्षा में देखिए नाइलेट द्वारा CCC स्तर का कंप्यूटर ज्ञान आपके पास सर्टिफिकेट होना ही चाहिए। और उसके बाद इसमें देखिए कि 50 प्रश्न होंगे, प्रत्येक का एक खंड होगा। तो इसमें देखिए सामान्य ज्ञान अध्ययन के 25 प्रश्न होंगे, रीजनिंग के 45 प्रश्न होंगे। इसमें देखिए गणित नहीं लिखा है, तो यह बहुत अच्छा मौका है आपके लिए, अगर जिसकी गणित कमज़ोर हो और उसको सरकारी नौकरी में आराम से हो सकता है। इसमें देखिए इसमें 1/4 की माइनस मार्किंग भी रखी गई है। सामान्य अंग्रेजी के 55 प्रश्न होंगे जो कि इंटर के स्तर के होंगे, और सामान्य हिंदी के भी 55 प्रश्न होंगे जो कि एक प्रश्न एक अंक का होगा। तो कुल मिला के 180 नंबर का आपका CBT टेस्ट होगा, और उसके बाद 20 नंबर की आपकी जो टाइपिंग के नंबर होंगे। तो देखिए टंकण हेतु 20 अंक निर्धारित होंगे, यह 20 अंक मात्र ऐसे अभ्यर्थियों को ही प्रदान किए जाएंगे जो हिंदी टंकण में निर्धारित न्यूनतम मतलब 30 स्पीड जब आपकी और हिंदी इंग्लिश में 35 स्पीड होगी, उसके बाद जो आपने एक्स्ट्रा टाइपिंग करी है उस पे आपको वो 20 अंकों के ऊपर आपको नंबर मिलेगा। तो वहाँ पर पहुँचने के लिए तो उसमें देखिए अगर आपके इधर नंबर कम भी हो जाते हैं तो उधर 20 नंबर में आप अच्छा खासे मेरिट में आ सकते हैं। तो देखिए इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अधिक 20 अंकों अर्थात कुल 200 अंकों प्राप्त अंकों के आधार पर ही अभ्यर्थियों की अंतिम मेरिट लिस्ट बनाकर इसमें देखिए टाइपिंग आपकी कुछ पॉइंट पर होगी। तो इसमें टाइपिंग आपकी कुर्ती देव और पर ही होगी जिसको 016 फॉन्ट भी कहते हैं। तो इसमें फ़ीस आपकी 1180 है जनरल की, 826 है SC ST की, और विकलांग के लिए दिव्यांगों के लिए 12 रुपये फीस है। इसकी आपकी ऑनलाइन अभ्यर्थी है 19 तारीख से 12/9 मतलब 12 सितंबर इसकी लास्ट डेट है, और अक्टूबर इन्होंने बता भी दिया है कि आपकी अक्टूबर 2022 के द्वितीय सप्ताह में इसकी परीक्षा हो जाएगी। तो आपकी आप देखिए पेट भी है 2022 में अक्टूबर के ही लास्ट वीक में, अक्टूबर में सेकंड वीक में, तो शायद से आप ये देखना होगा कि कहीं इसकी परीक्षा और पेट की परीक्षा आपस में वो ना करें। अब देखिए इसमें नॉर्मलाइजेशन भी इन्होंने बता दिया है कि नॉर्मलाइजेशन देखिए यानी डबल शिफ्ट 3 शिफ्ट में पेपर ये होना है, तो इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होगा और नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला भी इन्होंने बता दिया है। पोस्ट देखिए ज़्यादा हैं, और अब इसमें मेन चीज़ है देखिए अगर आपको टाइपिंग हिंदी की नहीं आती है वो भी, क्योंकि मंगल फॉन्ट पे मैक्सिमम लोगों को आती है, कुर्ती देव पे बहुत कम लोगों को टाइपिंग आती है। तो अगर कुर्ती देव की आपको टाइपिंग आती है तो ये परीक्षा आपके लिए बहुत अच्छी है, जिसमें देखिए अच्छी खासी पोस्टें आई हैं। SC की 216 है, OBC की 278 है, EWS की 103 है और जनरल की 416 है। तो इसमें आपको अच्छा खासा मौका मिला हुआ है उत्तर प्रदेश विद्युत सेवा आयोग में। तो इसके लिए आप तुरंत फॉर्म ऑनलाइन आ गया है, आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपको कोई इस पर दिक्कत आती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप हम लोगों से पूछ सकते हैं, हमारी टीम आपको पूरा पूरा
सहयोग करेगी। इसमें देख लिए कि अगर कोई दिक्कत है तो आप अपने इस, उन्होंने मेल आईडी भी दी है helpdesk922.ea@gmail.com और upbcl.org पे आपका संपूर्ण विवरण रहेगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर कर दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।